हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हैशटैग सरप्राइज। इस वीडियो में मैं आपको 1 अक्टूबर 2021 को 10th क्लास का जो साइंस 2 का महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम हुआ था, इस बोर्ड एग्जाम का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ सेल इन डैश फेज ऑफ माइटोसिस। इसका करेक्ट आंसर आएगा मेटाफेज। सेकेंड क्वेश्चन, इन थर्मल पावर प्लांट्स द डैश एनर्जी इन द कोल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू सेवरल स्टेप्स। इसका आंसर आएगा केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिकली मॉडिफाइड डैश क्रॉप्स हैव द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय बॉल वर्म्स। इसका करेक्ट आंसर आएगा बीटी कॉटन। फोर्थ क्वेश्चन, डैश डिजीज इज रिलेटेड विद द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा डायबिटीज। फिफ्थ क्वेश्चन, डैश हेल्प्स टू इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन इन स्टडीज। इसका करेक्ट आंसर आएगा मेडिटेशन। उसके बाद क्वेश्चन बी, आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द कोरिलेशन। विजडम टीथ का आंसर है वेस्टिजियल ऑर्गन, तो लंग फिश का क्या आंसर आएगा ये आपको बताना है। सो लंग फिश का आएगा कनेक्टिंग लिंक। उसके बाद क्वेश्चन 2, सेपरेट द ऑड कंपोनेंट। यहाँ पे देखिए टोटल 4 कंपोनेंट्स गिवन है, इसमें से ऑड क्या है वो आपको बताना है। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, मेलानिन एंड टेस्टोस्टेरॉन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो मेलानिन है ये ऑड कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि मेलानिन एक स्किन पिगमेंट है और ये जो रिमेनिंग कंपोनेंट है लाइक प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरॉन, ये तीनों सेक्स हार्मोन्स है, तो इस वजह से मेलानिन ये ऑड कंपोनेंट यहाँ पर है। स्टेट ट्रू और फॉल्स, द टर्बाइन्स एट द थर्मल पावर प्लांट ऑपरेट ऑन सोलर एनर्जी। ये क्या है? फॉल्स है। फोर्थ क्वेश्चन, माई आउटर स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ एक्सोस्केलेटन, आई हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स टू वॉक, टेल मी टू विच फाइलम आई बिलोंग। इसका करेक्ट आंसर आएगा आर्थ्रोपोडा। फिफ्थ क्वेश्चन, राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड डिजास्टर्स। सो मैन मेड डिजास्टर्स के एग्जाम्पल्स है टेररिज्म एंड बॉम्ब ब्लास्ट। उसके बाद क्वेश्चन 2A, गिव साइंटिफिक रीजंस। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, सेल डिवीजन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो इसका कंप्लीट आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्ल्स फेस स्ट्रेस ड्यू टू जेंडर इनइक्वालिटी। सो इसका भी कंप्लीट आंसर आप लोग देख सकते हैं। ओवरऑल 5 पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है। थर्ड क्वेश्चन, आर बॉडी इरिटेट्स इफ इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद जेलीफिश। इसका भी कंप्लीट आंसर यहाँ पर प्रेजेंट है। ओवरऑल 4 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन बी, आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पर फर्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। एनाटॉमिकल एविडेंसेस, यहाँ पे 2 बॉक्सेस एम्प्टी है, इसको फिल करना है 2 मार्क्स के लिए। सो फर्स्ट बॉक्स में लिख सकते हैं कैट्स फॉर लैक एंड सेकेंड में फ्लिपर ऑफ वेल। उसके बाद डिस्क्राइब एनी 2 एनिमल्स ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज। थ्रेटन्ड स्पीशीज के 2 एनिमल्स को डिस्क्राइब करना था, तो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ लायन टेल्ड मंकी एंड रेड पांडा, और ये दोनों का 1-1 मार्क्स के लिए डिस्क्रिप्शन। आप लोग कोई भी 2 थ्रेटन्ड एनिमल के यहाँ पे नाम लिख सकते थे और उसका डिस्क्रिप्शन 1-1 मार्क्स के लिए। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, कंप्लीट द पिक्चर। डोनेटेबल ह्यूमन ऑर्गन्स, ह्यूमन ऑर्गन्स जो डोनेटेबल हैं, सो इसका एग्जाम्पल है लीवर, किडनीज, हार्ट, स्किन, इस तरह बहुत से एग्जाम्पल है, आपको जस्ट 4 यहाँ पे लिखना था। एक्सप्लेन द टर्म बायो इंसेक्टिसाइड। सो बायो इंसेक्टिसाइड का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर प्रेजेंट है। ओवरऑल 4 पॉइंट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉक ड्रिल, गिव एग्जाम्पल्स। सो मॉक ड्रिल का मतलब क्या है वो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रेजेंट है एंड देन उसके एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद क्वेश्चन 3, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू द बिलो फिगर। यहाँ पे फिगर गिवन है, इसके बेस पे ओवरऑल 3 क्वेश्चंस है। ये तीनों क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के लिए। पहला, आइडेंटिफाई द रिएक्शन शोन इन द फिगर। इस फिगर के अंदर कौन सा रिएक्शन बताया गया है ये आपको बताना है। तो इस फिगर के अंदर बेसिकली न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को बताया गया है। इस रिएक्शन को हम चेन रिएक्शन भी कहते हैं। वेयर इज दिस रिएक्शन यूज्ड। इस रिएक्शन का यूज बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होता है। विच एटम इज यूज इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में बेसिकली यूरेनियम 235 यूज होता है। तो देखिए यूरेनियम 235। उसके बाद क्वेश्चन 2, व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे। फर्स्ट कंडीशन गिवन है, योर यंगर ब्रदर इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। अगर आपका छोटा भाई स्मोकिंग करता है तो आप क्या करोगे। तो देखिए इसका भी आंसर यहाँ पर प्रेजेंट है। आप लोग इस क्वेश्चन का पर्सनली कुछ भी आंसर लिख सकते हैं जो आपको समझ में आए। सेकेंड, योर मेट्स हस्बैंड बीट्स हर आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल। मीन्स आपके घर में जो नौकरानी है उसका हस्बैंड उसको शराब पीने के बाद मारता पीटता है, तो आप इस केस में क्या करोगे ये आपको लिखना था 1 मार्क्स के लिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, योर यंगर ब्रदर इज प्लेइंग गेम ऑन मोबाइल वाइल ईटिंग। मीन्स आपका जो छोटा भाई है वो खाना खाते टाइम मोबाइल पर गेम खेलता है, तो आप क्या करोगे। सो इस तरह से 1-1 मार्क्स के लिए आपको आंसर लिखना था। देखिए सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पे प्रेजेंट है और ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसका भी आंसर यहाँ पे प्रेजेंट है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय फॉसिल्स, राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉसिल्स, राइट द नेम ऑफ मेथड टू फाइंड द एज ऑफ फॉसिल।
सबसे पहले फॉसिल का मतलब क्या है, ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन। सो देखिए फॉसिल का मीनिंग, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल, फॉसिल का क्या इंपॉर्टेंस है, इसका आंसर। एंड देन राइट द नेम ऑफ मेथड टू फाइंड द एज ऑफ फॉसिल, फॉसिल के एज को फाइंड करने के लिए जो मेथड यूज होता है उस मेथड का क्या नाम है वो बताना था। तो बेसिकली कार्बन डेटिंग मेथड यूज होता है टू फाइंड द एज ऑफ फॉसिल। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमलिया, राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट। किंगडम एनिमलिया का जो लार्जेस्ट फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा के दो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इट इज नेसेसरी टू बैन द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, मीन्स प्लास्टिक बैग्स के यूज को बैन करना नेसेसरी क्यों है ये आपको बताना था। सो देखिए इसका भी कंप्लीट आंसर यहाँ पे प्रेजेंट है, ओवरऑल 6 पॉइंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये पॉइंट नंबर 5 एंड उसके नीचे ये पॉइंट नंबर 6। उसके बाद विच प्रिकॉशंस विल यू टेक ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड को स्प्रे करते टाइम आप क्या प्रिकॉशन लेंगे ये आपको बताना था। तो इसमें भी ओवरऑल 6 पॉइंट यहाँ पर आंसर में प्रेजेंट है, 1, 2, 6 पॉइंट्स, टोटल 6 पॉइंट। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द पिक्चर्स ऑफ सम डिजास्टर्स, इन दिस डिजास्टर्स व्हाट विल यू डू एज प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। यहाँ पे देखिए टोटल 3 पिक्चर्स गिवन है, ये तीनों पिक्चर के अंदर एज अ प्री डिजास्टर मैनेजमेंट आप क्या करोगे ये आपको बताना था। तो यहाँ पर फर्स्ट है, आप लोग देख सकते हैं ये जो डिजास्टर है इस टाइम आप प्री डिजास्टर मैनेजमेंट क्या करोगे, उसके दो आंसर यहाँ पे प्रेजेंट है, 2 पॉइंट। उसके बाद ये जो सेकंड डिजास्टर आपको दिख रहा है इसमें आप एज अ प्री डिजास्टर मैनेजमेंट क्या करोगे उसके लिए 2 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद ये जो लास्ट डायग्राम है इस डिजास्टर के लिए भी ओवरऑल 2 पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस के बीच में एनी 3 पॉइंट का डिफरेंस लिखना था, तो देखिए 3 डिफरेंस यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ अ नीट लेबल डायग्राम राइट फंक्शंस ऑफ एनी 3 पार्ट्स ऑफ इनसाइड ऑफ फ्लावर। सबसे पहले आपको फ्लावर का एक नीट लेबल डायग्राम ड्रॉ करना था, तो देखिए ये डायग्राम है विथ लेबलिंग, देखिए आपको लेबलिंग भी करना था, कैलिक्स क्या होता है, कैरोला क्या होता है, स्टिग्मा क्या है, स्टाइल क्या है, ओवेरी क्या है, एंड्रोशियम क्या है, गायनोशियम क्या है, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर लेबलिंग भी करना था ड्रॉ करने के बाद। एंड देन उसके बाद जो इसके इनर पार्ट्स हैं उस पार्ट्स के फंक्शंस लिखने थे, तो देखिए इसके अंदर कैलिक्स रहता है, कैरोला रहता है, एंड्रोशियम रहता है एंड गायनोशियम रहता है, आपको क्या करना था, क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एनी 3 पार्ट्स, मैंने यहाँ पे ओवरऑल 4 लिखा हूँ, आप लोग एनी 3 लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ कैलिक्स, फंक्शन ऑफ कैरोला, फंक्शन ऑफ एंड्रोशियम, फंक्शन ऑफ गायनोशियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट आर द 3 एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेसेस इन इंडिया, मेंशन 2 मेजर्स यू विल टेक टू प्रोटेक्ट दिस विद रीजंस। इंडिया में 3 एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेसेस कौन कौन से हैं ये आपको बताना है, एंड देन उसके बाद उन प्लेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे ये भी आपको बताना है। सो जो 3 एंडेंजर्ड प्लेसेस हैं इंडिया में वो है वेस्टर्न घाट, मनास सेंचुरी एंड सुंदरबन सेंचुरी, ये तीनों जो प्लेसेस है ये एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेस है इंडिया में। अब उसके बाद इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे उसका आंसर देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, ये 2021 का साइंस 2 बोर्ड एग्जाम का कंप्लीट सॉल्यूशन था। मैंने आपको ये जो सॉल्यूशन दिखाया ये सॉल्यूशन आपको वायलन एप्लीकेशन में, इस सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। अगर आपने एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड करने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। ये एप्लीकेशन कंप्लीटली फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप लोग सिंपली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में 2021, 2020, 2019 ये सभी बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ फ्री में प्रेजेंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें।